हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग और सोल प्रोप्रेटरशिप। तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एकल स्वामित्व के, उसके बारे में हम पॉइंट वाइज पढ़ते चलेंगे। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट्स हैं जिनको हम थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी करेंगे और उनके एडवांटेजेस को समझेंगे। तो फर्स्ट जो है सुगम निर्माण, ईजी फॉर्मेशन। तो सोल प्रोप्रेटरशिप के संबंध में यह सर्वाधिक उपयोगी पहलू है कि इसकी स्थापना अत्यधिक आसान तथा ना तो इसकी स्थापना हेतु किसी प्रकार की कठिन कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ना ही इसको बंद करने पर एंटरप्रेनर को जिस दिन चाहे वह इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अपने एक्टिविटीज़ आरंभ कर सकता है तथा जिस दिन चाहे वह बंद कर सकता है। तो कभी भी एंटरप्रेनर है अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और इसके इस्टेब्लिशमेंट में किसी भी प्रकार के लीगल फॉर्मेलिटीज़ को करने की आवश्यकता नहीं होती और इसका जो फॉर्मेशन होता है काफ़ी इजी होता है। देन नेक्स्ट है इजी मैनेजमेंट। अन्य प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में सोल प्रोप्रेटरशिप वाले ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत ईजी होता है तथा डिसीजन लेने की प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट होती है। एकल स्वामित्व में कोई एक्सटर्नल पावर इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसका प्रबंधन काफ़ी इजी होता है। देन थर्ड जो है मोर इंटरेस्टिंग वर्क। तो एकल स्वामित्व वाले बिजनेस में रिस्क बेयर करना तथा यूनिट्स के कार्य को ऑपरेट करने के फलस्वरूप मिलने वाले लाभों का उपयोग करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, अतः इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में परिश्रम तथा परिणामों का सीधा संबंध होता है। इसके फलस्वरूप एंटरप्रेन्योर इकाइयों के कार्यों में अधिक रुचि लेता है ताकि वह अधिकतम लाभ कमा सके। देन फोर्थ जो है परफेक्ट सीक्रेसी या पूर्ण गोपनीयता संभव। किसी भी कार्य विशेष रूप से बिजनेस कार्य में सभी प्रकार की सीक्रेसी रखी जाना आवश्यक होता है जो कि केवल सोल प्रोप्रेटरी में ही संभव है। पार्टनरशिप में अन्य पार्टनर अलग होकर अपनी स्वतंत्र एंटरप्राइजेस स्थापित करते देखे जा सकते हैं। कंपनी को अपना वार्षिक विवरण प्रकाशित करना होता है। देन फिफ्थ जो है पर्सनल रिलेशन। तो जीवन के चाहे किसी भी पहलू को ले व्यक्ति को सफलता दिलवाने में व्यक्तिगत संबंधों का विशेष महत्व होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर को अनेक प्रकार की व्यक्तियों से अनेक कार्य करवाने होते हैं, अतः वह अपने व्यक्तिगत संपर्कों का भरपूर दोहन करता है। ऐसी सुविधाएँ प्रायः दूसरे प्रकार के बिजनेस में नहीं होती हैं। देन सिक्स जो है वह फ्रीडम इन डिसीजन। सोल प्रोप्रेटरशिप ही सभी बातों का कर्ता धर्ता होता है। उसे किसी की सलाह लेने की रुकने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। बिजनेस के किसी भी मामले में स्वतंत्रता पूर्वक इंडिपेंडेंटली डिसीजन करके वह जल्द से जल्द कार्य को कर सकता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। देन सेवन जो है फ्रीडम इन बिजनेस। तो सोल प्रोप्रेटरी में खरीदी बिक्री करना, रेट का निर्धारण करना, छुट्टी करना या फिर उधार बेचने आदि के संबंध में वह इंडिपेंडेंट रहता है। इस प्रकार के डिसीजन लेने के लिए वह अपनी इच्छा अनुसार बिजनेस को समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन अपने बिजनेस में आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। उसके मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाहरी या फिर एक्सटर्नल फैक्टर इंटरफेयर नहीं कर सकते। देन एट जो है मोनोपोली ओवर प्रॉफिट। तो एकल स्वामित्व में एक ही व्यक्ति समस्त प्रॉफिट पाने का अधिकारी होता है, अतः वह यह भावना कि सारा
प्रॉफिट उसी के झोली में जाएगा, बड़ी प्रेरणा प्रदान करती है। मैंने बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं कि वो अकेला ही उस प्रॉफिट का ओनर होगा। प्रॉफिट को अधिकतम करने के लिए वह अधिकतम या ज़्यादा मेहनत करता है और अपने इंटेलिजेंस के साथ काम करता है। तो नेक्स्ट जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर। सोल प्रोप्रेटर का क्या होता है कि क्षेत्र सीमित होने के कारण वह ग्राहकों के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में इस्टेब्लिश करता है करके उनकी असुविधाओं तथा अनेक उनके द्वारा दिए गए सुझावों को पूर्ण ध्यान दिया जाना संभव होता है। निकटतम संपर्क या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा सोल प्रोप्रेटरशिप कंज्यूमर की इंटरेस्ट व मांगों का भी अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकता है एवं सच्ची सेवा करने में समर्थ हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो एंटरप्रेन्योर जो होता है या सोल प्रोप्रेटर जो होता है वो क्या होता है, कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। और डायरेक्ट कांटेक्ट में होने का उसका बेनिफिट ये होता है कि वो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन या सेटिस्फाई करने के लिए वो उसे उसके द्वारा या कस्टमर के द्वारा जो भी सुझाव उस या एडवाइस उसे दिए जाते हैं उसको एनालाइज करता है और जल्द से जल्द अपने सेवा भाव में लाने की कोशिश करता है। देन टेंथ जो है वो है साधनों के प्रयोग में महत्वता, इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो सोल प्रोप्रेटरशिप की पूंजी के साधन सीमित होने के कारण वह उसका अधिकतम सदुपयोग करता है क्योंकि वह जानता है कि लेश मात्र दुरुपयोग से जो हानि होगी वह उसे ही सहन करनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, जहाँ पर हमने 10 डिफरेंट टाइप्स के हमने एडवांटेजेस को पढ़ा है रिगार्डिंग सोल प्रोप्रेटरशिप।